If I die on my bike, just know that it's okay. This was the closest I've ever been to happy. This was the only time I was at peace. And this was the only time I was not afraid or worried of the world that surrounds me. जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। और ये परफेक्ट फिट बैठता है किंग रिचर्ड श्रीनिवासन के लाइफ पे। हु इज मिस्टर श्रीनिवासन? वेल, ही वॉज अ मैन फ्रॉम बेंगलोर, 45 ईयर्स ओल्ड, एंड ही वॉज अ राइडर, एंड ही हैड डन थिंग्स विच अ राइडर ड्रीम ऑफ। ही हैव क्रॉस्ड लाइक 32 कंट्रीज विथ हिज बाइक, that is the Tiger 800, the legend. He was one of my idol. मैं उनको देखता था कि और सोचता था कि ये बंदा है जो कर रहा है। But recently a sad news came कि he has passed away. एक accident हुआ near Jaisalmer. He was going to Jaisalmer in his Rajasthan trip with his two friends. So वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ, ही कोलाइडेड विथ एन कैमल एंड सस्टेन सम हेड इंजरी। आफ्टर दैट ही सकम टू हिज इंजरीज ऑन वेनेसडे, दिस वेनेसडे 13th ऑफ जनवरी 2021। एज ए राइडर वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, जो एक राइडर, सिर्फ राइडर क्या, एक ट्रैवलर भी उतना नहीं घूमता जितना वो घूमे थे। ही हैव सीन द वर्ल्ड एक्चुअली, बट रिसेंटली उन्होंने GS 1250 में अपग्रेड किया था। सो दैट इज़ द न्यूज़। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड गॉड गिव हिज फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल द लव वंस all the power to overcome this situation. It's a very sad news. Anyways, I have to share this because he was like idol to me. I watched him many times in his videos, the White Dragons, वो और देबू भाई जो आप जानते ही होंगे, मुंबई के निखिल के वीडियोस में आते हैं। So anyways, यही बताना था मेरे को आपको कि आई हैव टू शेयर दिस न्यूज़ एंड आई हैव टू शेयर दिस फीलिंग विद यू कि एक राइडर का कुछ ठीक नहीं होता, वो कभी भी पेरिश कर सकता है। ही कैन पेरिश एनी टाइम एनी डे ड्यूरिंग हिज टूर और वट एवर। सो वन एवर यू सी अ राइडर, गिव हिम अ थम्स अप एट लीस्ट, और if you can hug him, it's a good gesture. So यही कहना था आपसे, आप लोगों से शेयर करना था, और बस आज के लिए इतना ही रखता हूँ। कोई इंट्रो नहीं, कोई आउट्रो या जो भी बोलते हैं उसको, वो भी नहीं। आप लोगों से बस फीलिंग शेयर करना था, बस दैट्स इट। लिव लाइफ, ओके, लिव बिग।